हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए ये जो ब्यूटीफुल सा फ्लावर आप देख रहे हो, ये है जरबेरा का फ्लावर। और विंटर्स में ये बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग करते हैं और ये इतने खूबसूरत होते हैं। ये एक बार खिल जाएं तो फिर महीनों तक आपके गार्डन में बने रहते हैं। और इनके पत्ते देखिए इस तरह से होते हैं, ये देखने में कुछ कुछ मूली के पत्तों से मिलते जुलते हैं। और इनकी जब मैं नर्सरी से लेके आई थी तो इनका ये देखिए साइड से दो तीन पत्ते जो हैं वो सूख गए थे और पीले पड़ गए थे, तो उन्हें मैंने रिमूव कर दिया। और इस तरह से देखिए नई पत्ती इसमें से निकलने लगी है। ये जो प्लांट होता है ये परमानेंट प्लांट होता है। वैसे तो ये विंटर्स में फ्लावरिंग करता है, लेकिन फिर भी ये 12 महीने आपके गार्डन में बना रहता है और छोटी छोटी बेबी प्लांट प्रोड्यूस करता रहता है। साइड से इसके जो नई नई स्टेम निकलती हैं और उसमें ही उससे ज्वाइंट ही बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। तो जब ये भर जाता है, पूरा पॉट आपका कवर कर लेता है, तो आप अलग करके दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं उस छोटे छोटे बेबी प्लांट्स को। और ये बहुत ही अच्छा होता है, हालांकि इसमें फंगस लगने का डर रहता है। तो जब भी आप इसे रिपॉट करें तो उसमें फंगीसाइड का यूज़ ज़रूर करें और महीने 15 दिन पर भी आप फंगीसाइड को पानी में मिला के इसे वाटरिंग कर सकते हैं। ओवर वाटरिंग मत करिएगा, जब आपको लगे मिट्टी हल्की सूखी है तभी आप वाटरिंग करिएगा। वैसे नर्सरी में इसकी प्राइस थोड़ी महंगी होती है, 150-100। मुझे तो ये मेरी नर्सरी में 100 रुपीज़ में मिला है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्राइस होता है। और तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। मैं अभी इसके और कलर्स ले आऊँगी, उनके पास अभी ये सिंगल कलर था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।